आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी है तो 5 पॉइंट याद कर लीजिए। पहला तो आपको सिलेबस याद रखना है उस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट में किस में कितना मार्क्स आएगा, तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे जिस चैप्टर में उस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट बुक आपके पास होना चाहिए, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का बेस्ट बुक, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का बेस्ट बुक, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पढ़ने का बेस्ट तरीका भी आपके पास होना चाहिए, जैसे पढ़ने का बेस्ट तरीका आप अपने अनुसार बनाइए उसमें, लेकिन एक चीज़ रखिए वो है रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप कितना भी बेस्ट तरीका है आपके पास पढ़ने का लेकिन उसमें रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो कभी आपकी पढ़ाई मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए पढ़ाई को मजबूत बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस होना जरूरी है। उसके बाद अपना तरीका बने कि थ्योरी आपको कितनी याद करनी है, कैसे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो सब आपके माइंड पावर पर डिपेंड करता है। उसके बाद एक आपके पास ड्रीम 100 होना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम 100 में 100 नंबर्स ला सकते हैं, 100 में 100 मार्क्स हम ला सकते हैं, तभी ला सकते हैं। इसलिए पहले कॉन्फिडेंस जगाइए कि आपको टारगेट जो रखना है वो आपको हमेशा रखना है 100 में 100 का, तब जाकर आप जो है 100 में 100 ला पाइएगा या आप 90-99 पर अटकिएगा। अगर आप टारगेट ही रखेंगे कि हमको 70-80 लेना है तो कभी 70-80 नहीं आएगा, 60 पर ही आप अटक जाइएगा। इसलिए टारगेट हमेशा हाई रखिए। तो उसके बाद है कि बेसिक भी आपको जानना जरूरी, जैसे कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का बेसिक कैलकुलस है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ की अच्छी दोस्ती है और दोनों की दोस्ती ऐसे दोनों एक दूसरे की, फिजिक्स जो है मैथ के बिना तो रह ही नहीं सकता है। इसलिए जो बेसिक जानना जरूरी किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का बेसिक है तो जोड़ घटा गुना भाग ये सब आपको पता होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ लॉग पर लिमिट आपको याद होना चाहिए, लिमिट कैसे बनाया जाता है वो सब आपको पता होना चाहिए, तब जाकर मैथ का कोई भी चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए।